और आप स्टूडेंट्स को भी मेरा सलाम। और हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इंशाल्लाह, जिस तरह पहले हमारा लाइव प्रोग्राम काफ़ी कामयाब गया और कुछ ही देर में और कुछ ही दिनों में, यानी 2 दिन ही चला है और हमें बहुत अच्छे व्यूज़ मिले हैं उसके, इंशाल्लाह उम्मीद है ये प्रोग्राम जिस तरह कामयाब जाएगा। बात यही होती है कि कोशिश यही है कि जो इल्म इंसान को खुदा ने अता किया है वो अगर वो दूसरों को पहुँचाए तो वो रसूल खुदा की समझो उसने हदीस पर अमल किया। आपने फरमाया इल्म बांटने से बढ़ता है, इल्म बांटने से बढ़ता है। और ये भी रसूल खुदा का इरशाद है कि अगर कोई शख्स इल्म के ऊपर एक सफ़ा छोड़े तो वो सफ़ा जो है ना उसके और जहन्नुम के दरमियान में हाइल हो जाएगा, यानी उसको जहन्नुम में नहीं जाने देगा। और रसूल खुदा का ये इरशाद भी है कि कुल्लुहुम हालिकून इल्लल आलिमून, हर एक हलाक हो जाएगा मगर ये कि इल्म वाले बच जाएंगे। फिर फरमाया वाले आलिमून अल हालिकून इल्लल आमिलून, के इल्म वाले भी हलाक हो जाएंगे लेकिन अमल वाले बच जाएंगे। फिर फरमाया कि अमल वाले भी हलाक हो जाएंगे इल्लल मुखलिसून, लेकिन मुखलिस लोग बच जाएंगे। और फिर फरमाया मुखलिस लोग भी खतरे में हैं, वो खतरा क्या है, वो है किबर। क्या है किबर? यानी गुरूर, तकब्बुर। क्योंकि तकब्बुर जो है वो किसकी फेवरेट डिश है, शैतान, उसने तकब्बुर किया था। तो शैतान ने जो तकबुर किया था तो हमें शैतान की फेवरेट चीजों से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? क्योंकि जो शैतान के पैरोकार हैं वो उसके साथ ही जाएंगे। तो एक तो शैतान का अच्छा समझता है कि मैं ये हो गया, तो शैतान का एक हथियार क्या है, तकबुर है। दूसरा हथियार क्या है, लोगों के अमाल को अच्छा दिखाना। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हें तकबुर पैदा हो तो तुम सोचो मुझे शैतान बेहतर है, होगी बात। अगर तुम्हारे दिल में यह ख्याल है कि मैं अच्छा हूँ फिर कौन बेकार है? तुम्हें पता है रसूल खुदा ने क्या फरमाया? आपने फरमाया, बड़ी अजीब बात है नाज़रीन, ये जरा गौर से सुने के चल रहे हैं आसिफ, ठीक है, आसिफ हमारे साथ हैं, ये हमारे चैनल की जान है और चलाने वाले यही हैं, हम तो सिर्फ बस रेलगाड़ी के हमारे क्या डब्बे हैं और ये इंजन है हमारे, इंजन ही फेल हो जाएगा तो रेलगाड़ी क्या चलेगी। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि अपने से अगर छोटे से मिलो तो उसकी इज्जत करो क्योंकि तुमसे छोटा है उसके गुनाह कम है, और अपना अगर अपने बड़े से मिलो तो उसकी इज्जत करो और वो तुमसे बड़ा है और उसके गुनाह उसके उसकी नेकियां ज्यादा है। तो हर सूरत में अपने आप को क्या समझना है, कमतर समझना है। एक और भी बड़ा खूबसूरत वाक्य है इस सिलसिले में, इंसान अपने आप को कमतर समझे, वो ये है कि आयत हदीस की किताबों में आया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने कहा कि मूसा वही की खुदा ने कि जिब्रील ने कहा कि मैं खुदा ने आपको ये कहा है कि आप आज शाम तक सोचें कि दुनिया में सबसे ज्यादा हकीर कौन है, सबसे ज्यादा कमतर हकीर कौन है और मुझे जवाब दें। हज़रत मूसा सोचते रहे, सारा दिन सोचते रहे कि सबसे हकीर कौन है, कोई समझ में नहीं लगी मूसा कि हकीर कौन है। जब वापस घर आ रहे थे तो क्या देखा, एक कुत्ता है जिसको ख्वाहिश लगी हुई है और वो घसीट के चल रहा है और उसके ऊपर मक्खियां और मक्खियां बैठी हुई है, बुरी हालत हुई है, उसके जख्म बने हुए, खारिश हो जाती है ना कुत्ते के, तो जख्म बन जाते हैं, तो बहुत बुरी हालत हुई है। तो एक दिन में ख्याल पैदा हुआ कि शायद ये कुत्ता शायद बड़ा अजीब मतलब उसकी हालत बनी हुई है और निजस जानवर भी निजस है ना कुत्ता, निजस जानवर। जब जिब्रील आए जवाब मांगने के लिए तो दिल में ये बात थी लेकिन शर्म के मारे कह नहीं सके, कह दिया मुझे तो अपनी जात से ज्यादा हकीर कोई नजर नहीं आता। सुन रहे हो? कहने लगे कि मुझे अपनी जात से ज्यादा पता है। जिब्रील ने क्या जवाब दिया, कहा परवरदिगार ने मुझे कह के भेजा था कि अगर मूसा कुत्ते का नाम ले तो नबूवत ले लेंगे। खुदा ने दिलों के हाल से जानते हैं ना, यानी मूसा ने अगर कुत्ते का नाम ले लिया तो नबूवत ले लेना। तुम्हें पता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद तुम्हें पता है क्यों नहीं थी? यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, ये मैं काफी से पढ़ रहा हूं ये रिवायत, वो रिवायत भी काफी से पढ़ी है। तो जब याकूब आए ना मिलने, याकूब वाले थे ना, रोते रहते यूसुफ के लिए, जब मिलने आए ना याकूब यूसुफ के पास, तो यूसुफ तो बादशाह थे ना उस वक्त, तो जब बाप को देखा, बाप आ रहे थे, तो बाप ने अपने को घोड़े से गिरा दिया, बाप ने क्या किया और पैदल भागे यूसुफ की तरफ, यूसुफ घोड़े पे थे, यूसुफ ने घोड़े को एड़ लगाई
اور دوڑاتے دوڑاتے باپ کے پاس پہنچ گئے اور باپ سے ملے آ کے. جبرائیل نازل ہوئے, جبرائیل نے کہا یوسف نے سیدھا ہاتھ نکالو, یوسف نے سیدھا ہاتھ نکالا, ایک نورانی چیز ہاتھ سے نکل گئی. کہا یہ کیا ہے؟ کہا خدا نے تمہاری اولاد میں نبوت نہیں رکھی, تمہاری اولاد نہیں ہوگی, تمہاری اولاد سے نبوت ہٹا لی. باپ نے فرمایا یہ کیوں کہا تم نے باپ کی عزت نہیں کی؟ باپ پیدا کر تو تم گھوڑے پہ چلے گئے. اللہ اکبر, ارے گناہ نہیں تھا کوئی, لیکن ترک اولا تھا, وہ بھی اترے گا تو تمہیں بھی اترنا چاہیے تھا, ایک اچھی بات چھوڑی تم نے. دیکھ رہے ہو, یہ ہے اپنے آپ کو کیا سمجھنا, کمتر سمجھنا, دوسرے کو کیا سمجھنا, برتر سمجھنا. یہ دین اسلام ہے. اب یہ دین اسلام, اب قرآن کو چھوڑ دیں گے اور اہل بیت کو چھوڑ دیں گے, جو ہمارا ورثہ ہے, خدا کے رسول نے ہمیں تحفہ دیا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن, اہل بیت. اگر ان کو پکڑو گے تو گمراہ. دنیا نے یہی تو کام کیا ہے نا, قرآن کو بھی چھوڑا, کیسے چھوڑا, صرف پڑھنے کے لیے رکھا ہے, اور اہل بیت کو بھی چھوڑ دی. اہل بیت کو تو ایسے چھوڑا کہ یہ حدیث بھی کہاں بیان ہوتی ہے. کیا یہ حدیث, میں بتاؤں آپ کو, حدیث کی سب سے جو بڑی صحیح کتابیں ہیں, مثلا صحیح مسلم, اس میں یہ حدیث موجود ہے. مثلا امام احمد بن حنبل, حدیث موجود ہے تمام احادیث کی کتابوں میں, کنز العمال میں پاس پڑھیے پیچھے, بتائیے کتنے طریق سے یہ حدیث آئی ہوئی ہے. 110 تو اصحاب نے کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کیا. پرابلم تو ہے, نیٹ کی تو رہتی ہے, کیا کیا جائے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا دنیا میں, جب زمین, دنیا کے آدھے انسان مر گئے تھے. وہ کون سا وقت تھا؟ امام سے سوال ہو. ایک ایسا وقت بھی آیا تھا آصف, کہ دنیا سے آدھے انسان مر گئے تھے, آدھے انسان رہ گئے تھے. امام سے پوچھا تو امام نے بتایا کہ وہ وقت تھا جب جناب آدم تھے اور جناب ہوا تھی اور ان کے دو بیٹے تھے. سمجھ آئی نا؟ جب ایک نے دوسرے بیٹے کو مار دیا اور دوسرا پاگل ہو کے مر گیا تو پیچھے کیا رہ گئے؟ دو رہ گئے, آدھی آبادی چلی گئی اور آدھی رہ گئی. یہ بھی ہے, سمجھ آئی بات؟ اچھا تو بڑا اچھا سوال ہے. میرا خیال ہے یہ سوال جو ہے نا, وہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی ہوا تھا, انہوں نے بونگی ماری تھی کہ قرآن کے اندر لفظ ہے نا دہا لفظ اس کے لیے, کیا نام ہے, زمین کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ بس اس نے جو بھی اسے ماری تھی ماری پھیر کے جہاز رکا ہوا ہے. کیوں لگتا ہے ایسے؟ کیونکہ اس بھی چل رہی ہے تو وہ بھی چل رہا ہے, تو دونوں ایک ساتھ چل رہی ہوتی لگتا ہے کہ رکا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے, وہ چل رہا ہوتا ہے. سوال قرآن سے پوچھتے ہیں کہ دنیا رکی ہوئی ہے چل رہی ہے, تو میں بتاتا ہوں کہ قرآن میں سورہ نحل میں, کون سی سورہ ہے؟ سورہ نحل میں پروردگار کا ارشاد ہے کہ پروردگار نے فرمایا کہ وَتَرَى الْجِبَالُ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً, کہ تم یہ جو پہاڑ ہے نا, تم ان کو دیکھتے ہو تو لگتے ہیں ایسے جیسے یہ رکے ہوئے. خدا کہہ رہا ہے تم سے کہ وَتَرَى الْجِبَالُ, جب تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو, تَحْسَبُهَا, تمہیں گمان ہوتا ہے, جامدتن, یہ کیا ہے؟ رکے ہوئے ہیں. وَهِيَ تَمَرُّ مَرَّ السَّحَابِ, جبکہ ایسا نہیں ہے, یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہیں. کس کی طرح چل رہے ہیں؟ بادلوں کی طرح چل رہے ہیں, لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا. بادلوں, جب بادل چلتا ہے محسوس ہوتا ہے بادل چل رہا ہے, لیکن بادل چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں محسوس نہیں. اس طرح پہاڑ کو تم گمان کرتے ہو کہ یہ رکے ہوئے ہیں, خدا کہتا ہے نہیں یہ چل رہے, لیکن چونکہ بادل کی طرح چل رہے ہیں, اس کی آواز نہیں ہے اور حرکت محسوس نہیں ہوتی, تو یہ چل رہے ہیں. اب اگر پہاڑ چل رہے ہیں, مجھے بتاؤ نا, یہ میں نے موبائل ہے اس کے اوپر میں نے پین رکھ دیا, جب میں نیچے سے موبائل کو لے کے جاؤں تو پین گیا کہ نہیں آگے, جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. تو حقیقت یہ ہے کہ زمین چل رہی ہے, اس لیے اس کے اوپر کیا چل رہے ہیں؟ پہاڑ بھی چل رہے ہیں. اب کوشچن یہ ہوتا ہے کہ پہاڑ کی مثال کیوں دی, کسی اور چیز کی دے دیتا, درخت کی دے دیتا, کسی اور چیز کی دے دیتا. پہاڑ کی مثال اس لیے دی کہ پہاڑ ہے سب سے بڑی چیز, پہاڑ سے بڑی کوئی چیز ہے؟ زمین کے اوپر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ پہاڑ. جب پہاڑ چل رہا ہے تو آٹومیٹک بات ہے بھائی, درخت بھی چل رہا ہے, پودے بھی چل رہے ہیں, پتے بھی چل رہے ہیں, تو اس لیے سب سے بڑی چیز کی مثال دے دی. سمجھ میں بات؟ اس طرح قرآن کہتا ہے کہ تم مل کی طرح مچھر پیدا کرو, کیا یہ کیوں نہیں ہاتھی پیدا کرو, یہ بول دیتا نا کہ ہاتھی پیدا کرو. اب مچھر ہے سب سے چھوٹی چیز,
जब तुम सबसे छोटी चीज नहीं पैदा कर सकते तो बड़ी चीज का ख्वाब पैदा करोगे, है कि नहीं? ये परवरदिगार का बेहतरीन तरीका है, खुदा के साथ हकीम है। क्या है? हकीम है, यानी ऐसी बात करती है इसका कोई जवाब कोई नहीं देता दे सकता। तभी तो फरमाया कि जिनों इंस भी जमा हो जाए ना तो कुरान का जवाब नहीं दे सकते। मेरा आपको सवाल का जवाब मिला, कुछ समझ में आई बात? क्यों भाई यासीन, तुम्हें कुछ समझ में नहीं? नाज़िर आप ही बताइए। ठीक है, हाँ एक और बात भी है, देखो खुदा कुरान में फरमाता है सूरह यासीन सब पढ़ते हैं, गौर कोई नहीं करता। सूरह यासीन में परवरदिगार फरमाता है कि वह कुल्लुम फी फलकी यसबहून, वह कुल्लुम फी फलकी हर चीज चल रही है, कुलुन हर चीज चल रही है अपने मदार में चल रही है। जब हर चीज चल रही है तो जमीन भी चल रही है, जमीन चीज है कि नहीं है? ठीक है, ये चांद भी चल रहा है, सूरज भी चल रहा है, साइंस भी ये कहती है सब चल रहे हैं। तो ये 1400 साल पहले खुदा ने बयान कर दिया हर चीज चल रही है। समझाई बात? ठीक है, और कोई सवाल हो तो बताओ। खुदा ने सबसे पहले क्या पैदा किया? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है ये जनाब, मैं आपको बताऊंगी सूरह अंबिया में एक वाक्य बता देता हूँ, ये भी मैं काफी से पढ़ रहा हूँ कि कुछ लोग आए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास, समझे इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम, तो वहां पे बहस हो रही थी, जिसने कह दिया कि सबसे पहले क्या पैदा किया, तो किसने कहा पहले कलम पैदा किया, किसने कहा पहले रूह पैदा की, किसने कहा ये पैदा किया वो पैदा किया। इमाम ने फरमाया कि तुम सब गलत कह रहे हो, बल्कि खुदा ने सबसे पहले पानी को पैदा किया, फिर हर चीज पानी से पैदा की। वो वहां पे एक बैठा हुआ था, हंस पड़ा। इमाम ने फरमाया तू क्यों हंस रहा है? कहा आपका ख्याल है पत्थर पानी से पैदा हुआ? उसने कहा तो सवाल तो बनता है। आ रही बात समझ में? सबसे पहले क्या इमाम ने फरमाया? पानी पैदा। ये हर चीज को किससे पैदा किया? पानी से। पानी से पैदा किया। तो उसने कहा कि वो हंस पड़ा, उसने कहा कि पत्थर भी पानी से पैदा हुआ, आपका ख्याल? इमाम ने क्या जवाब दिया? इमाम ने फरमाया अगर तुम इस पत्थर को आग में फेंक दो और आग का दर्जा हरारत बहुत तेज कर दो, नहीं ऐसी आग लगाओ कि जिसके अंदर उसका दर्जा हरारत तेज हो जाए बहुत ज्यादा, तो पत्थर पिघल जाएगा, पानी हो जाएगा। अब देखो जमीन के अंदर साइंस कहती है पत्थर कैसे बने, ये पता है? और तुम कभी गूगल के ऊपर, ये यूट्यूब पे सर्च करो नेशनल ज्योग्राफी, तो उस पर लिख दो बेशक हाउ स्टोन मेड, स्टोन कैसे बने हैं, स्टोन्स आर मेड। तो आप देखोगे कि जनाब वो बताते हैं कि जमीन जो थी ना गर्म थी, उसमें क्या था? लावा था, यानी पानी था। पानी लावा क्या होता है? पिघला हुआ गर्म पानी। और ये जमीन की कोर में मौजूद है, अभी भी नीचे पानी है, लावा है, मैग्मा, इसको मैग्मा कहते हैं। ये लावा जब ठंडा हुआ तो पत्थर बन गया। इमाम ने क्या फरमाया कि खुदा ने हर चीज को किससे पैदा किया? पानी से। इमाम ने फिर क्या फरमाया कि देखो जो हम बयान करते हैं उसको कुरान से चेक करो, वो कुरान भी ये कहता है। इमाम ने फरमाया हर चीज को किस चीज से पैदा किया? पानी से। खुदा कहता है वजअलना मिनल माई कुल शयइन हय, मैंने हर चीज को जिंदगी दी है पानी से। इससे पानी से सूरह अंबिया। देखो कैसे जो इमाम ने फरमाया वही कुरान, इसलिए फरमाया जो कुरान वाले बैत छोड़ के जा रहा हूं, ये दोनों दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। यानी जो ये कहता है वो ये कहते हैं, यानी कुरान अहले बैत की तस्दीक करता है, अहले बैत कुरान की तस्दीक करते हैं। और ये रस्सी है ना खुदा की, रस्सी के दो बल होते हैं, एक तो होता नहीं है। खुदा कुरान में क्या फरमाता है? अब रसूल कह रहे हैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान क्या कहता है? वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की क्या पकड़ो? रस्सी। तो रस्सी के एक बल तो होता नहीं है, इसका मतलब रस्सी है तो इसका मतलब एक चीज नहीं है, दो। जो रसूल कह रहे हैं वो कुरान कह रहा है, जो कुरान कह रहा है वो रसूल। काश मुसलमान आज भी अगर कुरान और अहले बैत के दामन को पकड़े, वल्लाह तल्ला सारी दुनिया से आगे निकल जाएंगे। क्यों? इसलिए कि अहले बैत का इल्म का शहर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म का दरवाजा अली मुर्तजा मौजूद है। अब जो अली मुर्तजा को छोड़ दे दरवाजे पे ना आए तो शहर में क्या खाक दाखिल हो? ये बेचारे बाहर बैठे हुए हैं शहर के, और ये अपने ख्यालों में गुम है, अपने ख्यालों में गुम है। सही हम बड़े जनाब 30 बार कहा, कहां से तुम लोगों ने रसूल की हदीस पर अमल ही नहीं किया? तुम लोगों पे क्या पता नहीं क्या अशर होगा, खुदा क्या पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? मतलब जिन लोगों से खुदा पूछेगा कि तुमने ये हदीस क्यों छुपाई, वो कुरान में अहले बैत वाली, तो क्या जवाब दोगे बताओ? तो हमें बता दो जवाब, इस कमेंट में लिखो, मैं ये जवाब दूंगा खुदा इसलिए छुपाई कि अगर हम बताएंगे तो लोग शिया हो जाएंगे, और शियों को छोड़ बोलो मारो गोली। तुम तो सुन अहले सुन्नत हो जाओ। सुन्नत क्या है? रसूल की सुन्नत बयान करने वाले को अहले सुन्नत कहते हैं,
वैसे ही नाम का अहले सुन्नत होगा। मैं अगर बुत के ऊपर अल्लाह लिखा दूं अल्लाह बन जाएगा, मैं सोने का बुत बना के अल्लाह लिखा दूं अल्लाह बन जाएगा, वो खुदा वही रहेगा। तो इस तरीके से अगर मैं अहले सुन्नत हूं और ना सुन्नत बयान करता हूं, ना सुन्नत पर अमल करता हूं और सुन्नत को छुपाता हूं, मैं तो नाम रखा हुआ है ना। इस तरह का मेरा नाम शिया है, शिया का कहते हैं पैरवी करने वाला, तो मैं पैरवी तो करता नहीं हूं अपने आइमा की, रसूल खुदा की। तुमने ये काम करना है और ये काम नहीं करना। अगर तुम ये नहीं करोगे, ये काम जो मना किया, अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें स्कूल से क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। और तुमने ये नंबर लेने, अगर ये नंबर नहीं लिए तो तुम्हारा दाखिला नहीं भेजेगा। अभी भी कल भी वो शादी बात कर रहा था, अगर इतने नंबर नहीं लिए तो दाखिला नहीं भेजेगा, कह रहा था कि नहीं कह रहा था। तो अब फर्ज करो, अभी उसने आगे बोल दिया इतने नंबर नहीं लोगे तो क्या करेंगे, तुम्हारा दाखिला नहीं भेजेंगे। और अब फर्ज करो कि किसी लड़के के नंबर वो ना आए, उसने मेहनत नहीं की, उसके नंबर वो नहीं आए, तो मुझे और फिर स्कूल क्या करेगा, उसका दाखिला नहीं भेजेगा ना। लेकिन मुझे बताओ, स्कूल ने नहीं भेजा है या उस खुद ने अपने ऊपर मारी लात, लेकिन नाम किसका आएगा, स्कूल का आ जाएगा। इस तरह इंसान खुद गुमराह होता है, लेकिन नाम किसका आता है, अथॉरिटी वो है। इसलिए स्कूल भी कहेगा कि मैंने निकाला, स्कूल भी कहेगा कि मैंने निकाला है इसको, हालांकि स्कूल ने नहीं निकाला था, उसने खुद ही नंबर कम लिया। इसलिए खुदा कहता है मैं गुमराह करता हूं, मैं हिदायत देता हूं, हिदायत कर, क्योंकि अथॉरिटी वो है, अथॉरिटी नाम उसका आता है, करने वाला खुद इंसान खुद ही गुमराह हो रहा होता है। इसलिए खुदा फरमाता है कुरान के अंदर कि जो इंसान पर मुसीबत आती है वो उसके अपने हाथों से आती है, अल्लाह किसी के ऊपर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। समझ आई बात? तो बेटा तकदीर जो है ना वो इंसान खुद अपनी बनाता है। इमाम से पूछा कि तकदीर क्या है, इमाम ने फरमाया ये अमर बैन अल अमरैन, यानी एक है उम्मुल किताब और एक उसके बाद एक किताब है। मिसाल के तौर पर उम्मुल किताब में लिखा हुआ है कि फर्ज करो कि जी फर्ज करो वकार साहब की उम्र जो है वो 65 साल है मिसाल के तौर पर, ठीक है। लेकिन नीचे वाली किताब में लिखा है कि अगर वकार साहब ने सदका दिया तो इनकी उम्र 70 साल हो जाएगी। अब वो मौका भी आ जाता है, खुदा मौका भी, साहिल भी मेरे पास आ जाता है। अब मेरे ऊपर है कि मैं अगर सदका दे दूं तो मेरा हुक्म चेंज हो जाएगा, नहीं दूं तो वही हुक्म बाकी रहेगा। ऐसे इसका एक छोटा वाक्य भी है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी है और जनाब ईसा के बारे में भी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो जनाब ईसा वाला, तो मैंने खुद आंखों से पढ़ा, तो मैं ईसा वाला बता देता हूँ आपको। वैसे जनाब रसूल खुदा वाले ने उलमा से सुना हुआ है, लेकिन ईसा वाला मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ा कि ईसा अलैहि सलाम जो थे ना वो एक जगह से गुजरे तो शादी हो रही थी, शादी हो रही थी तो बड़ी खुशियां होती है शादी वाले घर। आपने फरमाया आज ये खुश है, कल जो है ये रोएंगे, क्योंकि जिस दुल्हन से शादी हो रही है वो कल उसकी जिंदगी खत्म हो। अब दूसरे दिन आए अपने हवारियों के साथ तो उधर शादी वही, कोई रोना धोना नहीं था। हवारी बड़े हैरान हुए कि या नबी अल्लाह, आपने तो कहा था कि ये दुल्हन मर जाएगी, इधर तो खुशियां खुशियां हैं, कुछ भी नहीं हुआ। आप घर में तशरीफ लगे, आपने दुल्हन से कहा कि जरा जहां बैठी हो जरा उठ के खड़ी हो, जो वहां उठ के खड़ी हुई, कहा इस चादर को हटाओ, चादर को हटाई तो सामने बैठा हुआ था, लेकिन उसने उसको काटा नहीं। आपने फरमाया तुमने कल क्या काम किया था, उसने कहा था मैंने कल एक बाहर जानवर आया था, कुत्ता था, उसको रोटी डाल दी थी। आपने फरमाया कि सदका बला को मौत को टाल देता है, जिसने यो ही सदका दिया मौत उसकी टल गई। तो उस किताब में लिखा था कि ये मरेगी, लेकिन ये लिखा था कि अगर ये करेगा तो फिर बच जाएगी। किसने, इमाम जैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम से पूछा कि इमाम ये बताइए जब हमारी तकदीर में ये लिखा है तो फिर दुआ करने की क्या जरूरत है, भाई तकदीर में ये लिखा है कि ऐसा होगा तो फिर दुआ करने की क्या जरूरत है। आपने फरमाया क्या पता लिखा हो कि दुआ करोगे तो होगा, क्या पता दुआ करोगे तो ऐसा होगा, जबरदस्त जबरदस्त। तो ये है, समझ आई बात? और कोई सवाल? तुमने भी पढ़ा होगा फिर गौर नहीं किया। खुदा कहता है ना जाता था बरून कुरान, कुरान में गौर क्यों नहीं करते, तो गौर करो ना।
अलम तर कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाब फील। इसी आयत में क्या आता है, वतरमीम बिहिजारत मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल, वो छोटी छोटी कंकड़ियां ऊपर से घुराई, एटम बम बन के गिनी हाथियों के ऊपर का कड़ा कमा कर डाला। तो ये क्या है, यानी इसका मतलब एटम बम कहां से गिरता है और जो चीज होती है नीचे तहस नहस कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज खुदा के इशारा दे रहा है कि ऐसी चीज भी बन सकती है कि अगर आसमान से गिराओ तो नीचे से हर चीज को तबाह बर्बाद करके रख दी। खुदा कुरान में हर चीज के इशारे। क्वेश्चन एटम बम का पता है क्या है, ये तो तुमने कह दिया कुछ इशारा मौजूद है। क्वेश्चन ये कि रसूल खुदा ने क्यों नहीं बताया एटम बम का फार्मूला, क्वेश्चन ये है। एटम बम का तो इशारा मैंने बता दिया, तरमी तरमी भी सिद्धि। क्वेश्चन ये है कि अंबिया ने क्यों नहीं बताया, क्वेश्चन ये है कि अंबिया ने ये जो साइंस तरक्की कर गई है, सुन रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, बिल्कुल जी सर, ये क्वेश्चन नहीं आता कोई गैर मुस्लिम से कहे, कुछ साइंसदान कहे कि तुम कहते हो नबी सबसे ज्यादा इल्म के शहर थे, अली इसके दरवाजे थे, तो अली को चाहिए था ना मोबाइल ईजाद करता, कंप्यूटर को रसूल को चाहिए था ना कंप्यूटर ईजाद करता, सुपर कंप्यूटर ईजाद कर देता, क्यों नहीं किया, जहाज चाहिए था अंबिया को बना लेते, उन्होंने क्यों नहीं किया, क्वेश्चन बनता है कि नहीं बता सकते आप, बताए नाज़रीन क्वेश्चन है कि नहीं। हम कहेंगे वो इल्म के शहर थे और अली उसके दरवाजे थे और ये वो, तो साइंस हमसे पूछेंगे किया तो उन्होंने कुछ भी नहीं, साइंस के हवाले से क्या काम किया, सवाल बनता है कि नहीं बनता, उसका जवाब बताओ, सुन रहे हो, सुन रहे हैं, सुन रहे हो, सवाल बताओ है कि नहीं, है बिल्कुल, और खतरनाक है, खतरनाक सवाल है, मैं खुद भी परेशान हो गया हूँ क्वेश्चन सुन के, क्या जवाब दो इसका, सवाल का जवाब है लास्ट वाली वीडियो याद करो मैं दे चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ फिर तुम्हें समझ में आ जाएगी बात। वो जो आए थे कहने लगे कि आसमान को बोलो आप पे गिर जाए, तो एटम बम ही गिराना मांग रहे थे ना, क्या बात आ रही, वो जो कह रहे थे कि अगर तुम नबी हो खुदा के तो आसमान को बोलो हम पर, तो क्या मांग रहे थे, एटम बम मांग रहे थे ना कि एटम बम बन के हम पे गिर जाए, तो नबी ने क्या जवाब दिया था, मैं तुमको जिंदगी देने आया हूं, जिंदगी लेने, मैं आपसे सवाल करता हूं, तमाम नाज़रीन से सवाल करता हूं, तमाम साइंसदानों से सवाल करता हूं, पूरी दुनिया से सवाल करता हूं, मुझे बताइए कि साइंस ने इस जमीन की उम्र कम की है या इस साइंस ने जमीन की उम्र ज्यादा की है, मुझे बताएं, टेल मी, है साइंस डिक्रीज द लाइफ ऑफ द अर्थ आवर प्लेनेट और इट हैज increase the life of the planet, tell me, the answer is it has decreased the life of the earth, our planet, isne kam kar di hai, now all of the scientists are worried, sare ke sare kya hai wo pareshan hai, global warming se beda garb ho raha hai duniya ka, the world is going to its end, duniya tabahi ki taraf ja rahi hai, khatme ki taraf ja rahi hai, to science ne kya kiya, क्या कर दी दुनिया की, कम कर दी, अगर ये साइंस पहले बताते तो कब की दुनिया, तो नबी अंबिया इमाम जिंदगी देने आए लेने नहीं आए, वो अपने इल्म से जानते थे कि ये जो इल्म है अगर इनके पास आ गया तो इंसान क्या करता है, इसका गलत इस्तेमाल करता है। मुझे बताओ खुदा ने पानी बनाया था ना, जहर तो नहीं बनाया था, तो जहर किसने बनाया, इंसान ने, खुदा ने तो लोहा बनाया था ना, तलवार तो नहीं बनाई थी, तलवार किसने बनाई, इंसान ने, खुदा ने तो पत्थर बनाया था ना, उस पत्थर को इस्तेमाल करके काबिल ने किसको मार दिया, जनाबे हाबील को, तो इंसान की सृष्टि के अंदर जहालत है, क्या है, जहालत है, तो इस वजह से वो चीज, मिसाल के तौर पर मुझे बताएं आप स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आपके छोटे भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे, आप अपने भाई को मुझे बताओ चाकू दोगे खेलने के लिए, वो बोलेंगे मैं बड़ा बड़ा जुल्म कर रहा है, तस्वीर में जो बड़ा जुल्म कर रहा है जनाब, मैं चाकू मांगता हूँ मुझे देता नहीं, तो आपको पता है ना कि क्यों दूं उसको, ये बड़ा गलत करेगा अपना या किसी और को मार देगा, आप समझ आई, साइंस का इल्म क्यों नहीं दे रहे थे, जानते थे सब कुछ, क्यों नहीं जानते थे, असल सलमान उड़ते नहीं थे और बगैर जहाज के उड़ते थे, नबी ने चांद को टुकड़े किया, आयमा ने मुर्दा जिंदा किए, ईसा ने मुर्दा जिंदा किया,
بغیر کسی آلے کے کیا, بغیر کسی آپریشن سے کیا, کیا کہ نہیں کیا؟ تو اس سے سائنس سے زیادہ تیز تھے, اپنی بات کو وہاں تک پہنچا دیتے تھے, چونٹی کی بات کو سنتے تھے. بتایا تھا چونٹی کو, ابھی تو سائنس نہیں کر سکتی, سائنس ہی نہیں سن سکتی چونٹی کی بات, نبی سن لیتا بغیر کسی آلے کے اور اٹھا بھی لیتا تھا. اتنے زیادہ جاتے تھے, تخت بلقیس منگوایا جناب آصف بن برقیہ نے, وہ نبی بھی نہیں تھے, مزے کی بات ہے, سلمان کے وزیر تھے, تو سب کچھ جانتے تھے, لیکن پتا تھا کہ انسان کے حوالے کریں گے تو کیا کرے گا, بڑا غلط کرے گا. دیکھ لو یہ سائنس کی ترقی, یہ صرف 18 میں ہوئی ہے, 1870 سے ہوئی ہے, اور آج کیا ہے 2022, 200 سال کے اندر اندر دنیا ٹاٹا بائے بائے ہوئی ہے. تو یہ وجہ ہے کہ بھائی سمجھ آئی بات, بے شک. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنے کی چاہیے, ایک گھنٹہ بند نہیں ہو رہی.